हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया चिली मंचूरियन, जिसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। इसमें जो मैंने चिली सॉसेस डाली हैं वो मैंने घर पर ही बनाई हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रेस्टोरेंट स्टाइल और रेसिपीज देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम सोया चंक्स को बॉईल करेंगे। 3 कप पानी लेंगे एक पैन में। आधा चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच ही सोया सॉस डालेंगे। फिर इसमें सोया चंक्स डालकर 2-3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जितनी सोया लेनी है उससे ट्रिपल पानी में इसको बॉईल करना है। 3-4 मिनट बाद फ्लेम बंद कर देंगे। सोया चंक्स इतनी देर में ही सॉफ्ट हो जाएंगी और जो थोड़ा सा पानी रह जाएगा ये अब्सॉर्ब कर लेंगी। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें 2-3 लंबी हरी मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1 टेबलस्पून डालेंगे चावल का आटा। आप इस टाइम पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। चावल के आटे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सोया चंक्स पर अच्छे से कोट कर देंगे। एक पैन में 1 चम्मच तेल लेंगे और इन सोया चंक्स को शैलो फ्राई करेंगे। हम इनको बहुत थोड़े से ऑयल में ही शैलो फ्राई करेंगे। अभी ये थोड़ी सी चिपक रही हैं, लेकिन जब ये फ्राई हो जाएंगी अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगी। एक साइड को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद हम साइड चेंज कर देंगे। जब ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाएंगी तो पता भी नहीं चलेगा इन्हें हमें फ्राई नहीं किया। ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं और बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। जब हम इसे खाएंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये बिना फ्राई की हुई हैं। अब हम एक सॉस बनाएंगे। 1 बाउल में 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून डालेंगे टमाटो सॉस। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। आप जितनी स्पाइसी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से सॉसेस बढ़ा दें। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, इसे भी घर पर ही बनाया है। इनकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सॉसेस का रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच विनेगर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मंचूरियन बनाने से पहले आप सारी तैयारी पहले से ही कर रखें। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें 2-3 चम्मच डालेंगे पानी। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनकर रेडी है। अब मैं ले रही हूँ 1 प्याज कटा हुआ। आधी मैंने लाल शिमला मिर्च ली है और आधी हरी शिमला मिर्च ली है। 1 हरा प्याज काट लिया है, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट लिया है और 2-3 लहसुन की कलियां काट ली हैं। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन और इनको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन के भून जाने के बाद इसमें डालेंगे 1 या 2 कटी हुई हरी मिर्च। आप इसे अगर और स्पाइसी बनाना चाहते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल लें। अब इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। इस टाइम पर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और सारी सब्जियां हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। मंचूरियन में सब्जियां क्रंची ही अच्छी लगती हैं, अगर ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो मंचूरियन अच्छा नहीं बनेगा। हाई फ्लेम पर ही हम सारी सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा मैं हरा प्याज रख लूंगी, जिसे मैं बाद में ऊपर से गार्निश करूंगी। अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने सॉस बनाई थी। सॉस वाली कटोरी में ही थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मिक्स कर देंगे। सॉस को पहले से ही अच्छे से पकाएंगे और सोया चंक्स बाद में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी और इसे भी 1 या 2 मिनट पका लेंगे। सबसे लास्ट में सोया चंक्स डालकर इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। लीजिए, हमारा सोया चिली मंचूरियन बनकर रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप मेरी रेसिपीज़ को घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। हैव अ नाइस डे।